हेलो एवरीवन, ये प्रॉब्लम क्लास 11th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 एंड एक्सरसाइज नंबर 5.2, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट्स हमको निकालने हैं। तो हमने स्टार्ट किया जेड को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने से। वहां हम लिख सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, और कंपैरिजन से हमें पता लगेगा कि r cos थीटा इज माइनस 1, r sin थीटा इज माइनस अंडर रूट 3। अब इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग भी किया और फिर ऐड भी किया, तो स्क्वायरिंग और ऐड करने पर यहां आपको सिर्फ r स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि जैसे ही हम r स्क्वायर कॉमन लेंगे वी लेफ्ट विथ cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, और यहां पर भी 1 प्लस 3 तो ये प्लस 2 आ जाएगा। देखो मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए r स्क्वायर इक्वल टू 4 के तो दो आंसर हैं प्लस माइनस 2, लेकिन मॉड्यूलस पॉजिटिव लेना है इसलिए सिर्फ प्लस 2 लेंगे। अच्छा, अब हम इस r को जो है इन इक्वेशंस में रखकर हम पहले cos निकाल लेंगे और sin निकाल लेंगे। इसमें एक मिस्टेक हमेशा अवॉइड करिए कि आप जैसे cos थीटा निकालेंगे माइनस 1/2, r को 2 रखा माइनस 1/2, और sin थीटा इज माइनस अंडर रूट 3/2। तो cos और sin दोनों लिखने हैं, अगर हम एक ही लिखेंगे ना तो cos थीटा इक्वल टू माइनस 1/2, इसके दो आंसर आ जाएंगे 0 से 2 पाई में, क्योंकि क्वाड्रेंट नंबर सेकंड और थर्ड दोनों में cos जो है वो नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी और थर्ड में भी। लेकिन उसके साथ में ये साइन बैठा है कि नहीं नहीं भैया मेरे को भी नेगेटिव करो, तो इसलिए क्वाड्रेंट नंबर थर्ड ही सिलेक्ट होगा, इसलिए दोनों लिखने पड़ते हैं एक नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है। थर्ड क्वाड्रेंट जैसे क्वाड्रेंट हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद काम बहुत आसान है। जैसे आपके पास ये है, ये सब स्टैंडर्ड एंगल है, तो हम ये कह सकते हैं कि माइनस हाफ तो पाई प्लस पाई बाय 3 पे बनता है, तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना हो गया 4π/3। लेकिन आर्ग्यूमेंट जो है हम लोग करते हैं माइनस पाई से प्लस पाई में डिफाइन, तो 4π/3 जो है वो एक्चुअल में ना यहां से मेजर्ड है, तो हमें उसको ना यहां से करना है मेजर 4π/3 को। ठीक, तो 4π/3 में अगर हम देखें तो ये ऊपर का तो पाई है और ये वाला हिस्सा पाई बाई 3 है, तो ये वाला हिस्सा कितना हो जाता है 2π/3। इसलिए इसका जो आर्ग्यूमेंट है अगर हम उसको विद साइन लिखेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा माइनस 2π/3। आर्ग्यूमेंट का आंसर माइनस 2π/3 और मॉड्यूलस का आंसर है 2। तो ये कंबाइंड जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।